चुनावी माहौल में कई सारे लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं जो कि बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने बहुत सारी चीजों पे घोषणा किया है, भाषण में कहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमित शशांक है, बीजेपी प्रवक्ता है, इनसे जानेंगे आखिरकार जो बातें निकल के आ रही है उसमें क्या कुछ बातें और है। सुमित जी बताइए कि अमित शाह ने बड़ी घोषणा की है कि 4 जून को 12:30 बजे तक हम कई सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में इसमें बड़ी बात यह है कि हम जनता की सेवा हमने की है, और जब देश का यशस्वी नेतृत्व देश के गरीबों के पास जाके देश समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करने का जब संकल्प लेता है, और उन संकल्पों को हमने विगत 10 वर्षों में पूरा किया, तो जब हमने संकल्प पूरे किए तो देश का बेटा बेटी, गरीब का बेटा बेटी, सबके जो सपने पूरे हुए, तो वो किसके साथ खड़े होंगे? वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होंगे। और मैं भी कहता हूँ कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे 12:30 बजे 400 पार भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल या ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से आलू से सोना बनाने की तकनीक उन्होंने पूरी दुनिया को बता रहे हैं, और 4 तारीख को 12:30 बजे वो जिस तरीके से नानी के गांव चले जाएंगे, तो वो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। और कांग्रेस के काल में आपने देखा होगा, ये कभी भी कांग्रेस काल में 10 साल तक जो कांग्रेस का शासन काल रहा लगातार, उसमें जो कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने, अगर तथाकथित जो भी कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने चलाई होंगी, उनके विषय में ये कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि एक असंख्य कहानियां किसकी, आतंकवाद की, तुष्टिकरण की। लेकिन और इस पर शशांक जी, कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी मानना है कि आखिर क्या ऐसा कॉन्स्पिरेसी है, क्या ऐसा अंदर का षड्यंत्र है जो पहले से ही वो फोकस कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, रिजल्ट आई नहीं और 2 चरण का चुनाव हुआ, पहले ही घोषणा कर रहे हैं वो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तेलंगाना जीतते हैं ये, जब बंगाल जीतते हैं ये, चाहे विभिन्न राज्यों में जब इनकी सरकारें बनती है, तो ये भाड़े का कुर्ता पजामा पहन के शपथ लेने के लिए चले जाते हैं, उस दिन ईवीएम जो है वो गड़बड़ नहीं होता क्या? लेकिन ईवीएम तब गड़बड़ कैसे हो जाता है जब अन्य राज्यों में ये हारते हैं और इनके कुकृत्यों का नतीजा इनको जनता प्रदान करती है, और उस कुकृत्यों के कारण ये जिस प्रकार से हाशिए पर खड़े हो गए हैं, और कांग्रेस हाशिए पर खड़ी हो गई है, तो इस पे तो ये कभी बात नहीं करते हैं। पूरे देश को, पूरे विश्व को चलाने के लिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है ऊर्जा सेक्टर। और ऊर्जा सेक्टर के विषय में अगर बात करें तो 2014 के पहले पूरे भारत में, खास करके शहरों में, आप देखेंगे कि एवरेज ऊर्जा जो है वो 12 घंटे पूरे देश में प्राप्त होती थी, और गांव में तो कम से कम बिजली देखे हुए लोगों को जमाना हो जाता था। तो आज के समय में ये समझना है कि 23.78 घंटे बिजली जो है ना पूरे देश में लोगों को प्राप्त होती है। ये किसके काल में हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हमने काम किया, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमने काम किया, ई व्हीकल्स के क्षेत्र में हमने काम किया, और 25 मानक किसी भी दुनिया में किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए 25 मानक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। उन 25 मानकों को फुलफिल करने का काम, हेवी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने का काम किसने किया? अच्छा, ये तो बात सही है जो भी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि किस बेसिस पे बीजेपी ये दावा कर रही है। मतलब रिसेंटली अभी 3rd चरण का चुनाव होने वाला है 7 तारीख को, लेकिन 2 चरण का जो है वो निष्कर्ष अभी निकाल रहे हैं अमित शाह। 34 करोड़ लोगों को DBT के माध्यम से उनके खातों में पैसा देने का काम हमने किया, साथ में बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों का सृजन भी किया। इसके अलावा 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको इलाज कराने का काम हमने किया, क्योंकि 34 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के स्थान पे आते हैं या फिर गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं, वो अपने पिता का, अपने माता जी का, अपनी पत्नी का, अपने भाइयों का इलाज कराने के लिए वो सिंगापुर नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए देश में ही सिंगापुर जैसी सुविधाएं हों, इसको डेवलप करने के लिए हम वचनबद्धता के साथ हमने काम किया। और आज
2014 में देश में जितने नर्सेस थे उससे कहीं बढ़ के हो गए। हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो किस प्रकार से ग्रोथ की, डॉक्टर्स की संख्या कितनी बढ़ी, और इतने बड़े सेक्टर को बनाने के लिए जो तकनीकी सहायता चाहिए थी, इन क्षेत्रों मतलब में इन भी हम सारी चीजों आगे पे बढ़े। विश्वास कर रहे हैं आप अपने कामों पे, हमने काम किया है। लेकिन अंदरूनी बातें निकल के ये भी आ रही है, कांटे का टक्कर 40 में से मोस्टली 10 सीट ऐसा है जो बीजेपी का फंसेगा इस बार, और इंडी गठबंधन जो है बाजी मारेगी। देखिए राजद के विषय में मैं बताता हूँ, राजद के विषय में बिहार जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं, बिहार के युवा और बिहार के लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि वो राजद को क्या कहें, गुंडों की पार्टी की पार्टी में गुंडे। तो राजद जो जो है ना ये बालू बीजेपी में माफिया, नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है बालू माफिया। किन्हीं पे क्राइम का कोई ऐसा नहीं, अक्यूज वो नहीं है। आप ढूंढ कर लाइए, ये आप पत्रकार हैं और बेहतर आप जानते ये हो। आरोप तो बहुत सारे लोगों पे लगता रहता देखिए है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं संभालने की जिम्मेदारी आप जैसे युवा भाइयों की है, क्योंकि आप पत्रकारिता के सेक्टर में आपका काम है चीजों को लोगों के सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना। अगर कुछ ऐसा है तो तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि 90 के दशक से लेकर आज तक हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की जो अनंत असंख्य कहानियां हैं, इसके इसका जिम्मेदार कौन, बिहार के पिछड़ेपन का कारण कौन। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी में कम है, आरजेडी में ज्यादा है, या किसी में ज्यादा किसी में कम, इस तरह से बातें कर सकते हैं। देखिए आरजेडी में ही है और आरजेडी बीजेपी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी ये कंफर्म कैसे कर सकते हमारी हैं? सोच हमारी सोच मैं बीजेपी में हूं तो मुझे पता है ना, हमारी सोच समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की है, और अंत्योदय हमारा सिद्धांत है। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों के सपने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भारत की भूमि को भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, हम माँ मानते हैं। तो फाइनली अमित शाह की बातों से कहीं ना कहीं देश में मैसेज जा रहा है कि बीजेपी फुल्ली कॉन्फिडेंस पहले से ही है। पहले से मैसेज जा चुका है, जा चुका है, बिल्कुल। ओके तो दोस्तों आपने सुना कि जिस तरीके से अमित शाह की जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखता नजर आ रहा है चुनावी इस दंगल में, तो कहीं ना कहीं दूसरा चरण का चुनाव खत्म हुआ है, तीसरा चरण की ओर बिहार में चल रहा है, लेकिन ऐसे में ही बड़ी घोषणा करते नजर आ रहे हैं अमित शाह। लेकिन फिलहाल आने वाला वक्त और 4 जून को क्या होगा वो आने वाला समय ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।